हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले सवाल होता है कि व्हाट इज़ लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो इसको हम एक आसान तरीके से समझते हैं बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले होते हैं लेटर्स जैसे कि ए बी अब ये लेटर्स को मिला के बनता है वर्ड जैसे कि हाउ फिर ये वर्ड्स को मिला के बनता है एक पूरा सेंटेंस जैसे कि हाउ आर यू और फिर कई सारे सेंटेंसेस को मिला के बनता है एक पैराग्राफ तो ये हुआ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज मतलब एक छोटे स्ट्रक्चर से एक बड़ा स्ट्रक्चर फिर उसको मिला के और बड़ा स्ट्रक्चर जैसे लेटर्स को मिला के वर्ड वर्ड को मिला के सेंटेंस sentence और सेंटेंसेस को मिला के पैराग्राफ इसी तरह हमारी बॉडी में सिक्स लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है केमिकल लेवल सेल्यूलर लेवल टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्मल लेवल सबसे पहले देखेंगे केमिकल लेवल केमिकल लेवल में इंक्लूड होते हैं एटम एंड मोलेक् सो व्हाट इज एटम इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर धेट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एटम के एग्जाम्पल है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोस्फरस कैल्शियम एंड सल्फर नाव वॉट इज मोलेक्यूल टू और मोर एटम जॉइन टूगेदर टू फॉर्म मोलेक्यूल फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स मतलब कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसे एटम मिला के बनता है ग्लूकोज मोलेक्ल तो ये हो गया केमिकल लेवल अभी दूसरा है सेल्यूलर लेवल तो इसमें क्या होता है मोलेक्यूल कम्बाइंस टू फॉर्म सेल कई सारे मोलिक्यूल साथ मिलके एक सेल बनाते हैं और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कई तरह के सेल होते हैं जैसे कि मसल सेल नर्व सेल एंड एट्सेट्रा अभी तीसरा है टिश्यू लेवल सो व्हाट इज टिश्यू टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड द मटेरियल सराउंडिंग्स देम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन मींस कई सारे सेल और उसके सराउंडिंग्स का मटेरियल मिलके बनाती है टिश्यू हमारी बॉडी में चार तरह की टिश्यू होती है एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्क्यूलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल तो कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन तो ऑर्गन में दो या दो से ज़्यादा तरह की टिश्यू होती है ऑर्गन के एग्ज़ाम्पल है स्किन बोन हार्ट लीवर लंग ब्रेन एंड एट्सेट्रा अब ये ऑर्गन लेवल के बाद आता है सिस्टम लेवल कई सारे ऑर्गन मिला के एक सिस्टम बनती है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को मिला के फॉर एग्जाम्पल माउथ सलाइवरी ग्लैंड इसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लीवर गोल ब्लेडर एंड पेनक्रिया इसके बाद आता है ऑर्गेनिज्मल लेवल ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर कंस्टिट्यूएंट द टोटल ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स मिलके जब एक साथ काम करते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्मल लेवल तो अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में सिक्स लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है केमिकल लेवल जिसमें होता है एटम एंड मोलेक्स मोलेक्ल्स साथ मिलके सेल बनाते हैं सेल साथ मिलके टिश्यू बनाती है टिश्यू साथ मिलके ऑर्गन ऑर्गन साथ मिलकर एक सिस्टम बनती है और सारी सिस्टम साथ मिल एक ऑर्गेनिज्म बनाती है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स